HD News। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD News। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD News। गोगा नवमी पर शहर भर की वाल्मीकि बस्तियों से छड़ी निशान निकालकर वीर गोगादेव महाराज का पूजन किया गया। वाल्मीकि बस्तियों से निशान निकालने का सिलसिला शाम ढलने के बाद शुरू हुआ, जिसमें ऐतिहासिक इमारतों की प्रतिकृतियां भी नजर आई। सभी छड़ी निशान राजबाड़ा पर एकजुट होने के बाद पंडित नाथ चौराहा स्थित गोगादेव मंदिर पर पहुंचे। यहां आरती की गई। राजमोल्ला, भरकुआ, छावनी, पलासिया, गाड़ी अड्डा, वाल्मीकि नगर, देवनगर, उषा फाटक, मरी माता, जूना रिसाला से चल समारोह निकाले गए। इस अवसर पर श्रेष्ठ निशानों को पुरस्कार दिए गए। गोगादेव मंदिर पर हुई महाआरती में समाज के अध्यक्ष प्रताप करोसिया शामिल हुए। छड़ी निशान झांकियों के कलाकारों और उस्ताद खलीफाओं को सम्मानित किया गया। बाबा की सवा महीने सेवा करने वाले भक्त उस्ताद खलीफाओं का सम्मान भाजपा नेता सुभाष धौलपुरे द्वारा अमर टेकरी पंचायती निशान भगत श्याम सिरसिया को प्रथम पुरस्कार देकर किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वाल्मीकि गौरव प्रताप करोसिया थे। इस अवसर पर सतीश पवार, मुन्ना ऊंटवाल, चौधरी टोनी पहलवान, सिरसिया पटेल, बंटी करोड़े, महेश तोमर, विजय नागर, किशोर बाबा पटेल, धामुनिया राजा धौलपुरे एवं सुभाष धौलपुरे मित्रमंडल के साथीगण उपस्थित थे। खुशी का अवसर है कि आज वीर गोगादेव चौहान और बाबा रतन सिंह जी दरबार का जन्मोत्सव है और इस अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में वीर गोगादेव जी चौहान का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम वाल्मीकि समाज वीर गोगादेव जी को जो धाते हैं, उन्हें मनाते हैं, उन्हें पूछते हैं। इसमें जो रतन सिंह जी चांवरिया वाल्मीकि थे, वो उनका झंडा उठाते थे और युद्ध में भी उनका झंडा लेकर चलते थे। इसलिए महर्षि वाल्मीकि समाज संपूर्ण देश में आज भी उनका झंडा उठा रही हैं। वीर गोगादेव जी चौहान बहुत ही पराक्रमी और वो हिंदू वीर थे। रतन सिंह जी भी जो युद्ध में उनका झंडा लेकर चलते थे, वो भी पराक्रमी और हिंदू वीर थे। उन्होंने इस भारतवर्ष की रक्षा के लिए बहुत ही अपना अमूल्य योगदान दिया है। भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई सुभाष जी धौलपुरे के नेतृत्व में आज सब जगह कई जो हमारे शहर के झंडा निशान हैं उन्हें पुरस्कृत किया गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है। हमारे बीच में आदरणीय हीरालाल जी नकवाल, चौधरी टोनी पहलवान जी सरसिया, भाई राजन जी डोंगरे, हमारे भाई मुन्ना जी उटवाल, भाई बबलू जी पवार, साथ ही हमारे कमल संकट जी हैं और नरेश हमारे भाई, हमारे नरेश भाऊ, हमारे साथ ही भाई हमारे रामू जी हैं और गोपाल हमारे पटोना हैं, हमारे भगत विनोद खड़े हैं, भाई नाना टटवाड़े जी हमारे बीच में हैं और भाई राजा राम जी और हमारे ताराचंद भारती जी महाराज जी और जो लाला का बगीचा हमारा वीर नवल मंडल का ये दल है और इसे प्रथम पुरस्कार भाई हमारे सुभाष भाई, भाई महेश तोमर और साथियों के साथ सब ने उन्हें प्रथम पुरस्कार दिया है। और ये जो आप झांकी देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत आकर्षक सजाई गई है और ये सार्वजनिक हमारा लाला का बगीचा नवल मंडल महर्षि नवल मंडल ये पंचायती निशान है और कुछ ही समय पश्चात इसका जुलूस प्रारंभ होने वाला है। मेरा पटेल महेश तोमर भाई हमारे सदगुरु नवल मंडल और इस दल का सक्रिय हम सेवा भावी जो जन्मोत्सव
पूरा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है संपूर्ण मध्य प्रदेश व इंदौर में। हमारे प्रत्येक बस्ती में वाल्मीकि समाज की बड़ी हर्षोल्लास से निशान को सजाया गया है और बनाया गया है। उसी जगह हमने सभी जगह जाकर देखा है, लाला का बगीचा नवल मंडल को हमने प्रथम पुरस्कार देने जा रहे हैं। क्या खासियत दिखती है जुलूस की? कोविड में भी वाल्मीकि समाज ने पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से काम करा है और उसी के पारिश्रमिक के लिए हमने नगर निगम और शिवराज सिंह चौहान जी को आवेदन करा है कि भाई हमारा जो कर्मचारी है उनको स्थायी किया जाए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आगामी कुछ ही माह में हम इनको स्थायी करने जा रहे हैं और इसी बीच में उन्होंने 10,000 रुपये भी हमारे को दिए पुरस्कार स्वरूप। उनका दिल से धन्यवाद देते हैं। किस प्रकार की बधाई देना चाहिए खास करके वीर गोगादेव उत्सव आज मनाया जा रहा है? संपूर्ण देश भर में वीर गोगादेव जन्मोत्सव, वाल्मीकि समाज में हिंदू वीर का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इंदौर शहर राजवाड़ा जनता चौक पर जो अभी आप देख रहे हैं भव्य जुलूस लाला का बगीचा नवल मंडल से निकलने जा रहा है। विद्युत कलाकारों ने जो अपनी कला की आकृति आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं उसको सुभाष धोलपुरे मित्र मंडल द्वारा नंबर वन का पुरस्कार महेश जी तोमर साहब, पटेल रायन जी डोंगरे साहब, मुन्ना जी उठवाल और मैं स्वयं चौधरी टोनी पहलवान सिलसिया, हम सभी कमेटी ने जो नंबर वन का पुरस्कार दिया लाला के बगीचे को और इंदौर शहर, संपूर्ण इंदौर शहर देश के नंबर वन शहर को वीर गोगादेव जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।